सो हमारे मेकअप दादा आ गए हैं। हेलो, कैसे? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अराउंड 4:30। 4 बजे के आसपास मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, क्योंकि निकलना है हमें यहाँ से 5 बजे, तो हमारा जो कॉल टाइम है ना वो 5 AM का ही है। चक्कर में 1 घंटा पहले उठी हूँ, तो टाइम तो लगता है रेडी होने में। तो ब्रश वगैरह हो गया है, शायद तो कल रात को ही ले लिया था, क्योंकि सुबह मुझे पता है मेरे हाल नहीं है कि मैं टाइम से उठ जाऊँ, शाल ले लूँ। सो मैं इस चक्कर में रात को लेकर सो गई थी, और मैं रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। कल का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, लेट्स सी आज का दिन हमारा। सो दोस्तों, मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी तक हमारी कैब आई नहीं है, मतलब जो भी गाड़ी आने वाली थी वो अभी तक आई नहीं है हमें पिक करने के लिए। सो तब तक रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन तो मुझे पता है आराम नहीं मिलने वाला है। सो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, जब निकलेंगे या वहाँ पहुँच जाएंगे। गर्म होने लग गया मुझे अभी से। सो गाइज, जस्ट अभी मैं अपनी वैनिटी पे पहुंची। सो अभी हमारा कॉस्ट्यूम वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ है, तो अभी देखते हैं कब आता है, क्या आता है, फिर रेडी होते हैं। फिलहाल आज की वैनिटी है, कितने दिनों बाद ये सब दोबारा देख रहे हो तो अच्छा सा फील हो रहा है। सो सिंपल सी इस बार की वैनिटी है, बट मस्त है। होटल से तो काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ, क्योंकि मुझे इस बार होटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। या जो भी है, 2 दिन ही आपको काटने हैं, अच्छे से काटते हैं। फिलहाल अभी कॉस्ट्यूम का वेट कर रहे हैं, फटाफट से कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे फिर। A few moments later. दोस्तों, अभी तक कॉस्ट्यूम वगैरह तो कुछ आया नहीं है, तो अपन तब तक का रेस्ट कर लेता मैं यही सोच रही हूँ। अब पता नहीं, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सो लेट्स सी क्या ही होता है। मेरे बाल कॉल से हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि मैं ही खाली बैठी हूँ, कि मेरे ना मेकअप आर्टिस्ट आए, ना कॉस्ट्यूम आया, बट ये दोनों भी ऐसे ही बैठे हैं। बाकी रजत और उन अदर लोगों का मेकअप चल रहा है, उसके बाद हमारा चलेगा, और हमारी वैनिटी यहाँ से कनेक्टिंग है, इतना अच्छा है ना। तो मैं वहां से खुल कर सीधे यहाँ आ गई, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। सो हमारे मेकअप दादा आ गए। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया। अभी ना बाहर बारिश पड़ रही है, तो हमारे जल्दी आएगा, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, हम बैठे के बैठे रह गए। से दोस्तों, हम मिल रहे हैं कविता से, बहुत टाइम बाद मिल रहा है, इतना अच्छा सा फील हो रहा है। ये उत्तराखंड मिस कर रही थी, मैं इनको मिस कर रही थी, और दोनों जरा खुश हो गए एक दूसरे को देख के, थोड़ा अच्छा लगा दिल को। सो अभी हमारे हेयर बन रहे हैं, पर अभी कॉस्ट्यूम नहीं आया है, कॉस्ट्यूम आता तो अच्छा होता। पहन के रेडी हो जाते, नहीं तो बाल खराब हो जाएंगे ना अच्छे खासे। सो मेकअप हो चुका है, और अभी हमारी चाय है, ये मॉर्निंग से चाय तो पी नहीं है, तो चाय पीते हैं। अभी मैंने दादा को बिस्किट के लिए बोला है, तो बिस्किट पता नहीं कब तक ही आएंगे, फिलहाल चाय पी लेती हूँ यार, क्योंकि सवेरे से ना चाय पी थी ना कुछ किया था ना, तो अमल हम पहाड़ियों को चाय के बिना कहाँ जिया जाता, तो वही हाल मेरा यहाँ भी हो रहा है। भले ही गर्मी हो रही है, लेकिन चाय ही हो रही है। सो चाय पीते हैं, और बिस्किट आते तो ठीक है, नहीं तो उनको बाद में खाया जाएगा। बाहर अभी भी ऐसी हो रहा मौसम, जो बारिश है ना, बारिश कह रहे थे, अब बारिश का ही हो रहा है, नहीं हो रही है, बंद हो गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है गर्म, तो पानी नहीं साहब, इतना गर्म हो रहा है, बताओ बहुत गर्मी, बहुत हालत खराब हो गई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गर्म इतना भी होता है। आप कहाँ रहते हैं? मैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड। हाँ, वहाँ तो नहीं, वहाँ तो आप आना, जन्नत है वहाँ, जन्नत। मौसम बहुत सही है यहाँ के, जैसा नहीं है ना, वहाँ पेड़ पौधे ना, यहाँ देखो ना पेड़ पौधे सब, यहाँ तो फिर भी ठीक है। मैं भी अभी मैं रिसेंटली यहाँ गई थी अपना जानना, मतलब अच्छा। महाराष्ट्र में है, अच्छा, यहाँ से 5-6 घंटे से भी, मतलब ऐसा लगता है रास्ता,
वहाँ तो ऐसा गर्मी जो मतलब रेगिस्तान में होती है, गर्म हवा जो निकल रही है, मतलब पागल कर रही है। कैसे रहते हैं यार, मतलब मैं तो मतलब परेशान हो गई, मैं आ गई, मैंने कर मैं जा रही हूँ, खाली हो गई थी, मैं यहाँ आके थोड़ा ठीक लग रहा है, पूरा मतलब टैन हो गया था एकदम, मतलब हालत खराब। मुझे खुद टेंशन हो रही थी, मैं तुम लगा लो, मैं इतने टाइम से धूप पे नहीं निकली, मतलब ऑटम तो कॉलेज की वजह से डेली रहता था बाहर जाना मॉर्निंग टाइम पे, मतलब धूप के टाइम पे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, मैंने कहा सारा मेरा ही निकलेगा इस बार, बहुत जल्दी होती है टैनिंग मेरी। यहाँ तो फिर मतलब 30-35 है ना, कभी कभी 40 हो जाता है, वहाँ तो मतलब कितना था 45, हमारा तो इतना नहीं 25 जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, पहले नहीं होती थी ये गर्मी, नहीं यही साल होगी, कभी सब पेड़ पौधे काट के सब जो घर बना, मेन रीजन ही वही हो गया हमारे वहाँ को, ये भी बहुत ज्यादा और अकॉर्डिंग के टाइम पे, अभी आप गर्मियों के टाइम पे देख लो इतने लोग आ रहे हैं ना वहाँ, पागल हो गए वहाँ पे, तो हम गए थे तो पिछले टाइम भी बारिश ठंड बहुत अच्छा था, बस बीच में थोड़ी बहुत गर्मी हो रही थी दोपहर में, मतलब खत्म हो बारिश आ जाए, बारिश का वेट कर रहे तो भाई, बारिश होती तो ठीक भी लगता ना, बहुत राहत मिल जाती है, बस ये कह रहे कि बारिश के टाइम पे लोग पेड़ पौधे लगाए, हम खुद भी पेड़ पौधे लगाएंगे। हाँ सही है, करना चाहिए। दोस्तों सबका शूट चालू है मेरे से बाय, तो पता नहीं क्या होता है कि हमेशा मेरा ही लेट में स्टार्ट होता है, तो पता नहीं अभी कितना टाइम होने वाला है, मॉर्निंग से हम लोग नहीं, मैं रेडी होकर बैठी हूँ, आपका टाइम हो गया 9:30, मेरा अब तक नहीं स्टार्ट हुआ है, सो लाइक सी कब तक होता है, मैं तब तक यहाँ आपको बैठ कर बैठे बैठे नींद निकाल रही हूँ क्या ही करूँ यार, मैं यहाँ आपको बैठ कर चिल मार रही हूँ, अब पता नहीं मेरे को कब बुलाएंगे, मैं क्या करूँगी मुझे तब तक, ना मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, पता नहीं इंस्टाग्राम को क्या हो गया है, तो क्या करूँ मैं वही सोच रही हूँ। A few moments later. दोस्तों इस आउटफिट का जो मेरा शूट था वो डन हो गया है, और बात सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, मेरे हाल देख रहे हो आप, मैं बेहाल हो चुकी हूँ दोस्तों, इतना गर्म हो रहा है क्या ही बताऊँ, हाय राम। दोस्तों 3:30 हो गया है और अब तक हमारा लंच नहीं हुआ है, अभी मेरा जितना शूट होना था वो हो गया है इस ड्रेस पे, इस कॉस्ट्यूम पे, अभी ये ड्रेस चेंज करना है, लंच करना है, तो फटाफट से लंच करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं फटाफट। यहाँ पर को मेरा लंच भी आ गया है और साथ ही मेरा कॉस्ट्यूम भी आ गया है, तो फटाफट से खाना खाते हैं उसके बाद कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। A few moments later. So, ये है मेरा दूसरा आउटफिट, आप लोगों ने ये पहले भी देखा होगा क्योंकि जब मैं हल्द्वानी वाले शूट के लिए आई थी तो मैं एक बार पहले भी पहन चुकी हूँ। देन इसके बाद हम अपने दूसरे वाले सेटअप के लिए चले गए थे जहाँ पर कुछ शूटिंग होनी थी, और फिर फटाफट इसके बाद मेरा जो था ना वो थर्ड आउटफिट भी था, तो वो मैंने चेंज, फिर हम लोग चले गए थे हमारे थर्ड वाले सेटअप पे जहाँ पर कुछ शूटिंग होनी थी। और मेरा थर्ड आउटफिट है, तो जल्दीबाजी में करना पड़ रहा है, मैं सब क्या ही बताऊँ, दोबारा टचअप हो गया है, अभी इनको दोबारा से बांधना, हेयर करना है अब बस। A few moments later. So finally दोस्तों हमारे शूट का रैप अप हो चुका है। मेरा सर मान
दिन कैसा रहा है, सब कुछ ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और शूट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब पहले मेरा शूट जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, बट जब स्टार्ट हुआ तो कट टू कट जितना भी शॉट रह गया था वो फटाफट से हुआ। बट गर्मी से तो जो हाल ख़राब हुआ है मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने, मतलब गर्म होता है ये तो है सबको पता, बट इतना गर्म होता है मुझको आज रियलाइज़ हो रहा है, जब पसीना बह रहा था ना आपको, मेरा पता कभी ऐसा नहीं होता था, मुझे बहुत कम पसीना आता है, बट यहाँ आकर भाई साहब जो हाल हुआ है ना गर्म से, आपको क्या ही बताऊँ। जैसे तैसे शूट टिप्ट आया, ऊपर से गर्मी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती, मेरा तो सर चकराने लग जाता है ना, आपको क्या बताऊँ। आज भी मतलब वैसा ही होने में था, बट आज पानी पीते रह रहे थे, कभी नींबू पानी कभी नॉर्मल पानी, तो उससे ना थोड़ा ठीक रहा आज का दिन। तो शूट के एंड पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, और अभी डिनर हो गया है, मैंने नहा भी लिया है और अब मैं सोती हूँ। और आपको पता है रात के 2 बजे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, सो व्लॉग को इनका एंड करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे कल अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे दोस्तों।